नमस्कार दोस्तों, मैं महेश यादव, मैं आपको स्पेशल एनडीए के लिए संविधान या पॉलिटिक्स पढ़ाता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रस्तावना। कौन सा है दोस्तों? प्रस्तावना ओब्लिक उद्देशिका। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर हाँ अभी तक आप हमारी योद्धा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अब भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे योद्धा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप मुझसे पॉलिटी पढ़ सकते हैं। आगे का अब जो हमारा जो पिछला टॉपिक था मूल प्रस्तावना ये हो गया था लगभग बने। अब इसके आगे से हम देखते हैं कि जो मूल प्रस्तावना में जो 85 शब्द थे और वर्तमान में 88 शब्द है, इनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। अब हम टोटल की टोटल प्रस्तावना को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों? तीन पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखना कौन कौन सी है हमारी प्रस्तावना पूरी, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को, एक पार्ट तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट की हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दूसरे पार्ट को हम ये है। और तीसरे पार्ट की हम चर्चा करेंगे कि दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मारक शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारी टोटल प्रस्तावना, यानी टोटल की टोटल प्रस्तावना को हम कितने पार्ट में अध्ययन करेंगे? तीन भाग में पढ़ेंगे। तो पहला भाग बोर्ड के ऊपर छाप रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को, पहले पार्ट का हम अध्ययन करेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को। यह है हमारा प्रस्तावना का पहला पार्ट। अब देखिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं पहली लाइन की व्याख्या। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? पहली लाइन की व्याख्या कि हम भारत के लोग भारत को, इसकी टोटल की हम व्याख्या करते हैं कि हम लोग शब्द कहां से लिया गया है। तो मेरे दोस्तों, प्रस्तावना में हम लोग शब्द अमेरिका ओब्लिक यूएनओ की प्रस्तावना से लिया गया है। पहली लाइन की व्याख्या चल रही है। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग शब्द का अर्थ क्या होता है, कि हम लोग शब्द का अर्थ क्या होता है
हम लोग शब्द किसको कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि संविधान की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है, कि संविधान की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है। यह है मेरे दोस्तों हम लोग शब्द का अर्थ। फिर अगला पॉइंट है कि हम लोग शब्द किसको दर्शाता है, कि हम लोग शब्द किसको दर्शाता है, तो मेरे दोस्तों यह शब्द लौकिक या लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। लौकिक या लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है, कि लौकिक या लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो मेरे दोस्तों हमारी प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख 2 बार हुआ है, टोटल की टोटल प्रस्तावना में, कि प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख 2 बार हुआ है, कि टोटल के टोटल जो 88 शब्द दिए गए हैं हमारी प्रस्तावना के अंदर, उसमें भारत नाम का उल्लेख 2 बार हुआ है पूरी की पूरी प्रस्तावना के अंदर। यह है दोस्तों हमारी पहली लाइन की व्याख्या, हम भारत के लोग भारत को, इसकी व्याख्या वापस देख लीजिए कि संविधान की प्रस्तावना में हम लोग शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये शब्द अमेरिका या ओब्लिक यूएनओ की प्रस्तावना से। फिर है कि हम लोग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए दोस्तों हम लोग शब्द का अर्थ होता है कि संविधान की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है, कि टोटल की टोटल संविधान की शक्ति किसके पास है, किस में निहित है, जनता के पास निहित है। फिर हम लोग शब्द किसको दर्शाता है, तो मेरे दोस्तों हम लोग शब्द लौकिक या लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। फिर है अगला पॉइंट कि प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो मेरे दोस्तों हमारी प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख 2 बार किया गया है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, देखना ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारी प्रस्तावना में भारत नाम का, हमारी प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख कितनी बार किया गया है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन 1 बार, बी ऑप्शन 2 बार, सी ऑप्शन 3 बार और डी ऑप्शन 4 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, कि हमारी प्रस्तावना या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख 2 बार हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कई बार हम यानी पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ये है दोस्तों पहली लाइन की व्याख्या। अब देखते हैं आगे कि अगली लाइन की व्याख्या देखते हैं, साथ के साथ आप एक अच्छे से नोट्स भी बनाते हो, चलिए भाई आपके हाथ के होने चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, कुछ डीपली है, लेकिन दोस्तों वो पहले वाला सिस्टम नहीं है,
कि पहले ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आज भी। हाँ, आपके ऐसा हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चन हैं और 12 में से 8 क्वेश्चन तो सभी को आएंगे, ऐसा ही नहीं है कि आप ही इस दुनिया के अंदर आप ही सिर्फ एनडीए की तैयारी कर रहे हो। पता नहीं कितने लाखों लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन आपको उनसे कुछ बेहतर अलग से पॉलिटी और संविधान पढ़ना होगा, क्योंकि लगभग सभी को 8 क्वेश्चन तो सभी को आएंगे, लेकिन जो 4 क्वेश्चन आपको अलग हैं, ये 4 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको वो यानी वो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ाऊँगा जो 4 क्वेश्चन आप कर सकें। और एक अगर आप ये 4 क्वेश्चन करते हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर रहोगे, ये कह सकते हूँ, यानी ये कह सकता हूँ मैं आपको। यानी ये 4 क्वेश्चन जो करेगा वो ही एग्जाम क्लियर कर पाएगा। अरे मेरे दोस्तों, 8 क्वेश्चन तो सबको ही आएंगे, तो वो तो आपको भी आएंगे और उनको भी आएंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन 4 बच रहे हैं, जिनको 4 क्वेश्चन आएंगे और ये एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन कर पाएगा वो ही एनडीए के अंदर सफल होगा, एनडीए एग्जाम को क्लियर करेगा। तो मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि एक बार मेरा निवेदन है आपसे, एक बार हमारी क्लास को ज्वाइन करके देखिए, एक बार पढ़ के देखिए, एक दिन से कुछ नहीं होगा। अगर एक बार आप हमारी क्लास को ज्वाइन करोगे और अगर हमारे पास यानी मेरी से पॉलिटी पढ़ोगे और यानी एक चैप्टर हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक ही अपना आप ही एहसास हो जाएगा कि हाँ, प्रस्तावना में कुछ जो पहले के जो यानी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से ही हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप आइए और हमारी क्लास को एक बार ज्वाइन कीजिए और एक यानी एनडीए के अंदर पॉलिटी को यानी जो भी महान खतरनाक क्वेश्चन हैं उनको हम जरूर एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करूँगा मैं। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारा पहली लाइन की व्याख्या। अब देखते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों, घबराने कोई बात नहीं है, कुछ डीपली है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ना सबको पड़ेगा। अगर बार बार पढ़ोगे, बार बार मेहनत करोगे, अगर आप एनडीए के अंदर एक अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही संविधान या पॉलिटी पढ़ना होगा मेरे दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का क्रम, यानी प्रस्तावना में शब्दों का क्रम, तेना कौन कौन से हैं प्रस्तावना में शब्दों का क्रम। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवाद, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक, और पांचवा है गणराज्य। यह है मेरे दोस्तों शब्दों का क्रम। एग्जाम में आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में शब्दों का क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 नंबर पे समाजवाद आएगा, 3 नंबर पे पंथ निरपेक्ष आएगा, 4 नंबर पे लोकतंत्रात्मक आएगा और 5 नंबर पे गणराज्य आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो है प्रस्तावना में शब्दों का क्रम। अब देखते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है क्या प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता शब्द से जुड़ा हुआ है।
कि संपूर्ण पर्वतो संपन्न संप्रभुता सबसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम संप्रभुता की, कि संप्रभुता है क्या। तो मेरे दोस्तों, संप्रभुता अंग्रेजी के साजेंट्री शब्द और लैटिन भाषा के सुपर्ण शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो देखिए दोस्तों, संप्रभुता अंग्रेजी के साजेंट्री शब्द और लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा है मेरे दोस्तों, लैटिन भाषा के सुपर्नस शब्द से मिलकर बना हुआ है, सुपर्नस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य का वह तत्व है जिसके कारण कोई भी राज्य अपने आंतरिक रूप से सर्वोच्च होता है और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल आजाद होता है। कैसे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यह हमारा भारत देश है। क्या है मेरे दोस्तों, भारत देश है। मैप नहीं चल रहा, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि ये भारत देश है, भारत देश है। हमारा देश किसी भी राज्य से, यानी किसी भी राज्य से कोई भी कानून बना सकता है या कहीं पर भी व्यापार कर सकता है। हमारे भारत के अंदर बिल्कुल सर्वोच्च है, बिल्कुल मजबूत है। तो किसी भी देश, अगर भारत देश की बात करें, अगर कोई भी कानून बनाती है हमारी संसद, तो उन कानून को हमारे राज्य फॉलो करते हैं। अगर हम बाह्य रूप से स्वतंत्र की बात करते हैं, तो बाह्य रूप से स्वतंत्र कैसे है, जैसे कि हमारा देश ऐसा नहीं है कि कुछ चीन के कब्जे में है या चीन के इशारे पे काम करता है या कि वो पाकिस्तान के इशारे पे काम करता है। बिल्कुल बाह्य रूप से स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से कानून बना सकता है। हमारा देश कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, बाह्य रूप से बिल्कुल स्वतंत्र है। नहीं, हमारा भारत देश किसी के दबाव में है और आंतरिक रूप से भी क्या, वो मजबूत है, सर्वोच्च है, कोई भी कानून बना सकता है किसी भी राज्य पर, और वो जो भी कानून बनाता है उन कानून को हमारे राज्य फॉलो कर सकते हैं। तो वापस देख लीजिए दोस्तों, हमारी संविधान के प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, कि यह संप्रभुता, यह संप्रभुता शब्द से जुड़ा हुआ है। अब देखना, संप्रभुता क्या है, कि यह अंग्रेजी के साजेंट्री शब्द और लैटिन भाषा के सुपर्ण शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य का वह तत्व है जिसके कारण कोई भी राज्य अपने आंतरिक रूप से सर्वोच्च होता है और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, संप्रभुता। अब देखिए दोस्तों, संप्रभुता यानी राज्य का सबसे अनिवार्य एवं आधुनिक तत्व संप्रभुता को माना गया है। स्टाल लगा के लिखना कि राज्य का सबसे अनिवार्य या आधुनिक तत्व है संप्रभुता। कि राज्य का सबसे अनिवार्य एवं आधुनिक तत्व किसको माना गया है, संप्रभुता को। अगर हम राज्य सरकार के अंग की बात करते हैं, तो सरकार के चार अंग होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सरकार के चार अंग होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगर इन चारों शब्दों में से हम बात करें कि राज्य का सबसे अनिवार्य और आधुनिक तत्व की, तो वो कौन सा होगा, संप्रभुता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, एक बार वापस देख लीजिए कि प्रस्तावना में हमारे शब्दों का क्रम कौन सा है। शब्दों का क्रम यही होगा, आप ऊंचे यानी ऊंचे नीचे मत कर देना कि एक के एक स्थान पर दूसरा शब्द लिख दो और दूसरे के स्थान पर तीसरा, नहीं। शब्दों का क्रम प्रस्तावना में यही है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक तो यह है, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष,
चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा है गणराज्य। फिर हम बात कर लिए, बात कर रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये है, मैंने आपको इसको बता दिया है। तो इसके आगे देखिए दोस्तों, इसके आगे चलते हैं, अगला समाजवादी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी ये भावनाएं, आपका ये प्यार, आपका ये भरोसा, कभी भी हम आपके भरोसे को कभी टूटने ना देंगे, लगातार आपके साथ हम खड़े मिलेंगे, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि एक बार हमारी क्लास या हमारे योद्धा ऐप को डाउनलोड कीजिए और उनसे जुड़िए और एक बेहतरीन सफलता प्राप्त कीजिए। अगला है समाजवाद। कौन सा है दोस्तों? समाजवाद। देखना कि समाजवाद क्या होता है, क्या अर्थ है समाजवाद का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, समाजवाद देखना दोस्तों कि समाजवाद दो प्रकार का होता है। समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मार्क्सवाद समाजवाद। दो प्रकार का होता है समाजवाद, एक तो होता है मार्क्सवाद समाजवाद और दूसरा होता है लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद। लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद, वापस देख लीजिए दोस्तों, हमारी प्रस्तावना में समाजवाद दो प्रकार का होता है। नंबर एक मार्क्सवाद समाजवाद, नंबर दो लोकतांत्रिक समाजवाद। अब देखते हैं दोस्तों कि मार्क्सवाद समाजवाद क्या है। तो देखिए दोस्तों, मार्क्सवाद समाजवाद यह है, इसमें पहला पॉइंट यह है कि मार्क्सवाद समाजवाद यह कहता है कि अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण राज्य या सरकार का होगा और यह निजी संपत्ति के उन्मूलन पर बल देता है। पहले देखिए यानी एक बार देखना, फिर मैं समझाता हूं कैसे होता है कि मार्क्सवाद कि अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण राज्य या सरकार का होगा, और इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि यह निजी संपत्ति के उन्मूलन पर बल देता है या देती है, संपत्ति पे नहीं। अब देखिए दोस्तों कि अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण राज्य या सरकार का होगा। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पैसे, जैसे जो भी संपत्ति है, पैसे संपत्ति है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, हमारी खुद की संपत्ति है। निजी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट संपत्ति, यानी हमारी खुद की संपत्ति, जो भी हमारे मेहनत के पैसे हैं, जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, ये टोटल के टोटल मकान, ये हम ये कह सकते हैं कि खुद की संपत्ति। तो मार्क्सवाद समाजवाद ये कहता है कि यानी जो प्राइवेट संपत्ति है, उन प्राइवेट संपत्ति पर टोटल का टोटल अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। किसका होगा मेरे दोस्तों? सरकार का होगा। ऐसा कौन कहता है? मार्क्सवाद समाजवाद कहता है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद की। लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद ये कहता है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य
या सरकार या सार्वजनिक एवं निजी दोनों का नियंत्रण होगा। क्या कह रहा है भाई कि अर्थव्यवस्था पर सरकार या सार्वजनिक एवं निजी दोनों का नियंत्रण होगा, यानी हमारी जो प्राइवेट संपत्ति है, खुद के पैसे, खुद के जो मकान, घोड़ा, गाड़ी, बंगले, हमारे खुद के मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, उन पर दोनों का नियंत्रण होगा। कुछ हिस्सा सरकार के पास जाएगा तो कुछ हिस्सा हमारे पास रहेगा। ऐसा कौन सा समाजवाद कहता है मेरे दोस्तों? ऐसा कहता है लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद। जैसे कैसे जाता है सरकार के पास हिस्सा? जैसे हमारे पास 10 लाख रुपए हैं। कितने हैं दोस्तों? 10 लाख रुपए हैं। इनमें से कुछ हिस्सा तो सरकार के पास चला जाता है टैक्स के रूप में। जाता है कि नहीं जाता है दोस्तों? जाता है ना, कि कुछ हिस्सा तो सरकार के पास चला जाता है टैक्स के रूप में और बाकी का हिस्सा हमारे पास बचा रहता है। तो यह क्या होता है कि यह निजी संपत्ति का समर्थन करता है, निजी संपत्ति का समर्थन करता है, यानी प्राइवेट संपत्ति या निजी संपत्ति का समर्थन करता है। तो देखिए दोस्तों, यह था हमारा समाजवाद वाला पॉइंट कि समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक मार्क्सवाद समाजवाद, दूसरा लोकतांत्रिक मिश्र समाजवाद। अगर हम मार्क्सवाद समाजवाद की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ है या ये समाजवाद क्या कहता है? ये समाजवाद ये कहता है कि अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार का होगा और यह निजी संपत्ति का यानी उन्मूलन पर बल देता है, यानी प्राइवेट संपत्ति पर क्या क्या करता है, ये बल देता है। यदि खुद की संपत्ति है, हमारी प्राइवेट संपत्ति है, तो टोटल के टोटल हमारी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? सरकार का। ये कौन सा समाजवाद कहता है? मार्क्सवाद समाजवाद कहता है। जबकि हम लोकतांत्रिक मिश्र समाजवाद की बात करते हैं तो ये समाजवाद ये कहता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार या सार्वजनिक एवं निजी दोनों का नियंत्रण होगा और यह निजी संपत्ति का समर्थन करता है कि जो हमारी प्राइवेट संपत्ति है, यानी खुद के जो मकान, गाड़ी, घोड़ा, जो भी हमारी संपत्ति है पर्सनल, उन पर दोनों का नियंत्रण होगा। कुछ हिस्सा तो सरकार के पास जाएगा और कुछ हिस्सा हमारे पास रहेगा। जैसे कि हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, उनमें से कुछ तो टैक्स के रूप में सरकार के पास चले जाते हैं और कुछ हिस्सा हमारे पास रह जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज तक आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद लगे तो एक बार हमारी क्लास को शेयर और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। और आगे की क्लास, आगे के पॉइंट होंगे वो आपको अगली क्लास में उपलब्ध करवाए जाएंगे या फिर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।